नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्राइम एपिसोड के एक नए एपिसोड में। आज आपको बताने वाले हैं कि योग के बहाने कुछ लोग संभोग करते हैं। जी हाँ, आज आपको एक ऐसी सच्ची घटना बताने वाला हूँ जहाँ पे ये कारोबार काफ़ी दिनों से चल रहा था, या कह सकते हैं काफ़ी सालों से चल रहा था, लेकिन इस रैकेट का पर्दाफाश कुछ ऐसे लोगों ने किया जिसका वो स्वीकार बने। जी हाँ, दो ऐसी महिलाएं जिसने कंप्लेन किया पुलिस से, और जब पुलिस जांच की तब उस जो टीचर था, योगा टीचर, उसको अरेस्ट किया गया। दोस्तों, ये घटना दिल्ली की है जहाँ पे एक विदेशी टीचर आ करके लोगों को योग सिखाता था, खास करके महिलाओं लोगों को, लड़की लोगों को, सभी को योग सिखाता था, और योग सिखाने के बहाने बहुत कुछ करता था। आज आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा, यानी कि ये क्राइम न्यूज़ आपको हर दिन आगाह करता है कुछ ऐसे मतलब समाज के कुछ ऐसे दरिंदों से, ताकि आप लोग बच के रहें, सतर्क रहें और अपनी सावधानी बरतें। दोस्तों, इस क्राइम एपिसोड में जैसे कि मैंने बताया कि योग के बहाने संभोग किया जा रहा था, और इसका पर्दाफाश दो महिलाओं ने किया, और दो महिलाओं ने कंप्लेन किया पुलिस में जा करके, और पुलिस भी चालाकी से जब छापे मारी तो सब कुछ सामने आ गया। दोस्तों, दरअसल ये जो मामला है दिल्ली की, वहाँ पे एक विदेशी आदमी आ करके जितने सारी महिलाएं थीं सबको योग के बहाने जो है टच करता था, मतलब कुछ ऐसे ऐसे जगह पे टच करता था जहाँ पे कुछ महिलाएं तो होती थी जो इसका साथ भी देती थी। जी हाँ, इस वजह से ये कारोबार इतने दिनों से चलता आ रहा था। नहीं तो आप मतलब अगर किसी को पहली बार इस तरह से टच किया जाएगा, अगर वो कंप्लेन करती तो ये दिन मतलब इतने दिनों से नहीं चलता आ रहा था। लेकिन कुछ लोगों को अच्छा लगता है, इस वजह से वो लोग इस चीज़ को बढ़ावा देते हुए इतने सालों तक चल रहा था। लेकिन उसके बाद जब किसी अच्छी महिला, या कह सकते हैं कि एक ऐसी महिला जो चाहती थी कि वो योग सीखे, अपने शरीर को स्वस्थ रखे, फिट रखे, और जब वो उस योगा क्लास में आई और उसके साथ जब इस तरह की हरकतें हुई, तब वो साफ साफ सबसे पहले पुलिस में जाकर के FIR करवाई। एक महिला नहीं, दो महिलाओं ने ये FIR करवाया, और दोनों महिला दोनों ही अलग अलग थी। तो यानी कि जब पुलिस को इस बात को पता चला तो पुलिस ने एक्शन लिया, और एक्शन लेते हुए योगा टीचर को सबसे पहले अरेस्ट किया, उसके बाद पूछताछ की सभी महिलाओं जो वहाँ पे थी, कई सालों से सीख रही थी या कोई कुछ नई महिलाएं, सबसे पूछा गया, तब उसके बाद इस योगा टीचर का पर्दाफाश हुआ। तो दोस्तों, इस तरह के समाज में आपको कई सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो कि आप मतलब कह सकते हैं कि आपका फ़ायदा उठाने की कोशिश किया जाएगा पूरी तरह से। अगर आप पहली बार अगर चुप रहोगे तभी ये जो गलत काम होता है उसका बढ़ावा मिलता है। इसीलिए आप हमेशा से अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए प्रोटेस्ट जरूर करें। साथ ही आप पुलिस में अगर कंप्लेन करें, आपके साथ अगर आपके अनुमति के बिना आपको कोई टच करता है या कुछ भी करता है, तो हमारा क्राइम एपिसोड जो है आपको आगाह करता है, आपको हर एक दिन कुछ ना कुछ ऐसे समाज के कुछ ऐसे लोगों से मिलाता है जो कि इस समाज को पूरी तरह से खोखला किया जा रहा है। तो दोस्तों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई क्राइम एपिसोड में, जहां पे आपको फिर एक नई सच्ची घटना आपके सामने हमारा चैनल लाएगा। तो दोस्तों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।